बिहार के बजट के बारे में आज हम इस एपिसोड में समझेंगे कि बिहार का बजट जो है उसमें की पॉइंट्स क्या क्या थे। बिहार के बजट को समझने के लिए हम आपको आपके लिए जो है 15 प्रश्न का यह प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बिहार बजट करंट के टॉपिक के इंपॉर्टेंस से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप बिहार की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए जाते हैं। बिहार का इसमें बजट जो है सरकार 2020 और 2021 के लिए किन किन क्षेत्रों के लिए कितना आवंटन किया गया है आपको यह पता होना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में आज 15 प्रश्नों के थ्रू बिहार बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। ये पहला एपिसोड है, हम दूसरा एपिसोड लाएंगे और आपको जो है सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिहार बजट का कवर करवा देंगे। फिर उसके बाद अब जब आप बिहार बजट को पढ़ेंगे तो आपको यह काफ़ी आसान लगेगा। आज के एपिसोड में हम बिहार बजट को एनालिसिस के साथ समझेंगे सारे की पॉइंट्स को। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप जो हैं हमारे साथ साथ प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। आप अपने जो उत्तर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए और जो है पहले कोशिश कीजिए आप खुद से सॉल्व करने का, फिर देखिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। हम आपको 3 सेकेंड का पॉज देंगे और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। सही कथन आपको चुनना है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में पंचायती राज विभाग के लिए 2411 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। क्या ये कथन सही है? और दूसरा कथन जो है 10 जिलों में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। आपको दोनों कथनों को बताना है कि कौन सा सही है और या नहीं है, ये आप बताएं इसका उत्तर। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला जो बात है यहाँ पंचायती राज हमें पता होना चाहिए, ये क्या है। पंचायती राज का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक हमें अपने संविधान में दिखाई देता है। पहला पॉइंट आपको यह यहाँ से पता होना चाहिए। दूसरा जो बात है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 73rd Amendment 1992 एक्ट के द्वारा। आप हमें कमेंट में क्या बता सकते हैं, ये जो है पंचायती राज का सजेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज लाया गया था? और इसके साथ आपको एक और फैक्ट याद होना चाहिए, शेड्यूल 8 में पंचायती राज के फंक्शंस को डाला गया है। और इसके साथ ही साथ चैप्टर 9 जो है हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। तो ये तो बात थी पंचायती राज के कुछ बेसिक्स की। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो प्रश्न है हमारा पहला कथन, वित्तीय वर्ष में पंचायती राज विभाग के लिए 2411 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो बिहार सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए, इसके वित्तीय वर्ष के बजट में पंचायती राज विभाग के लिए इतने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, 10 जिलों में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। हमारे बिहार में, हमारे देश में जो है वह क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है और बिहार सरकार ने सभी जिलों में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र बनाने की सिफारिश की है, घोषणा की है कह सकते हैं। तो यहाँ जो 10 जिला नहीं है ये बिहार के सभी जिलों में बनाया जाएगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, दूसरा कथन जो होगा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत था? ये जो राजकोषीय घाटा होता है इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जो फिस्कल डेफिसिट होता है जिसे वित्तीय घाटा भी कहते हैं, अगर आप आसान भाषा में कहें तो सरकार जितना कमाती है, तो सरकार कमाती कहाँ से है, वो हमसे टैक्सेस लेकर, जो भी हम पैसा टैक्स में देते हैं या किसी अन्य चीज़ पर वसूलती है, तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू आता है, ये सरकार इस पे इतना कमाती है। अगर सरकार अपने कमाए हुए पैसे से ज़्यादा खर्च कर दे, सरकार कमा रही है 10 पर खर्च कर रही है 20, तो ये जो घाटा होता है इसे कहते हैं वित्तीय घाटा। कमाई कम और ज़्यादा खर्च के बीच में जो भी अंतर आता है उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। सरकार जो है कैसे करती है वित्तीय घाटे की भरपाई? तो सरकार इस वित्तीय घाटे की भरपाई करती है उधार लेकर। आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकता है
उधार लेकर करती है या फिर विदेशी निवेशकों से पैसा लेकर या बॉन्ड्स के जरिए, ये तरीका होता है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत, एफआरबीएम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यह 2003 में लाया गया था। इसके अनुसार जो है फिस्कल डेफिसिट का एक टारगेट दिया गया है कि उससे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, जो कि टारगेट है 3% का। और हमारे जो बिहार का जीएसडीपी का राजकीय कोष घाटा जो है, जीएसडीपी क्या है, वो सरकार की, स्टेट की कमाई है। तो फिस्कल डेफिसिट हमारे जीएसडीपी का 2.68% था, जो कि एफआरबीएम एक्ट के अनुसार 3% के अंदर है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवास माइग्रेशन का मुख्य कारण क्या है? बिहार में जो लोग आते हैं अगर, तो उनके आने का रीजन क्या है, आपको यह बताना है। सबसे पहली बात, बिहार में जो माइग्रेशन होता है वह आंकड़ों के हिसाब से, जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है, विवाह के कारण होता है सबसे ज़्यादा। विवाह के कारण 75% लोग बिहार में माइग्रेट करते हैं, जबकि अगर पूरे कंट्री इंडिया लेवल की बात करें तो 46% माइग्रेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, बिहार में यह 75% है। और काम रोजगार की अगर बात करें तो इसमें 2.9% होता है केवल। तो बिहार में जो माइग्रेशन होने का कारण क्या है, सिर्फ वह है विवाह। अगला प्रश्न है, देश का पहला गैंडा राइनो, जिसको कहते हैं, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? यह क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश का पहला जो है प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर जो है, यहाँ मतलब है, तो वह बना है कहाँ, हमारे बिहार में, पटना में, कटिहार में नहीं, ना लखनऊ ना वाराणसी, बिहार के पटना में ये जो बना है, कहाँ बना है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान में, जिसे पटना जू कहते हैं। तो आपको यह फैक्ट भी याद होना चाहिए, पटना जू में यह बना है। आपसे यह प्रश्न पूछा सकता है कि कितनी लागत से बना है, तो आपको यह डेटा याद रखना है, 5.38 करोड़ की लागत से यह जो है बना है। यह देश का इकलौता गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बना है, जो कि अब तैयार हो चुका है। बजट घोषणा के अनुसार मार्च में यहाँ गैंडे जो हैं लाए जाएंगे, मार्च से गैंडे यहाँ लाए जाएंगे, और इसका जो है उद्घाटन कौन करेगा, नीतीश कुमार करेंगे। यह एक कंजर्वेशन सेंटर होगा और यहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी, तो जब लोग नहीं जाएंगे तो वो कैसे देखेंगे, तो उनके लिए CCTV लगाया जाएगा। बजट में इन सब चीज़ों के ऊपर बताया गया है, CCTV के थ्रू लोग जो है गैंडों को देख सकेंगे, पर वहाँ उनको जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वो एक कंजर्वेशन सेंटर है। यहाँ पर गैंडो को एक नेचुरल हैबिटेट में रखा जाएगा, और जो संरक्षण केंद्र है, कंजर्वेशन सेंटर को 3 भागों में बांटकर बनाया गया है। आपको यह बता दें कि पटना में जो है, पटना जू में जो है कितने हैं गैंडे, पटना जू में 11 गैंडे हैं, और 11 गैंडा जो है यह विश्व में इसका पोजिशन आता है दूसरा पोजिशन। सेकेंड पोजिशन पर है किसी एक चिड़ियाघर में 11 गैंडे, और जो सबसे पहला स्थान आता है वो अमेरिका के सेंट डियागो जू का आता है। तो यह महत्वपूर्ण है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। गैंडो के मामले में भी बिहार का स्थान दूसरा है, पहला स्थान अमेरिका के सेंट डियागो जू का है, दूसरा जो फैक्ट है यह खोला जा रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे पटना जू कहते हैं, इसका कॉस्ट कितना है, लागत 5.38 करोड़, और यहाँ पर जाने की लोगों को अनुमति नहीं होगी, यहाँ पर CCTV के थ्रू लोगों को देखने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन बजट लाने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। यहाँ उत्तर है
ऑफकोर्स बिहार का हम बजट पढ़ रहे हैं तो बिहार इसका उत्तर है। अपनी क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश में ग्रीन बजट लाने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका है। अपने बिहार विधानमंडल में, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है, इस वर्ष ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। ग्रीन बजट में बिहार सरकार के सभी विभागों के पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का विवरण होगा। और आपको यह बिल्कुल याद रखना चाहिए, जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जल जीवन हरियाली ग्रीन बजट का एक महत्वपूर्ण अंश होगा। तो आपको जल जीवन हरियाली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, 360 डिग्री आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होना चाहिए, जल जीवन हरियाली। हम आपको आगे के प्रैक्टिस सेट में इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन देंगे और इसमें हम सारा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। जब हम आपसे आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करें और इसका एनालिसिस करें, तो आप पेन पेपर लेकर बैठिए और सारे को पॉइंट्स वाइज लिख लीजिए, क्योंकि जब आप रिविजन करेंगे तो काफ़ी अच्छा और आसान लगेगा आपको। अगला प्रश्न है, सही कथन आपको चुनना है। यहाँ बिहार दूसरा राज्य होगा जहां सभी घरों में पाइप से जल आपूर्ति की जाएगी, और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू की जाएगी। कथन कौन सा सही है आप बताइए, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए और आप बताएं। तो यहाँ पहला कथन देखते हैं, बिहार दूसरा राज्य होगा। जी नहीं, बिल्कुल बिहार जो है देश में पहला राज्य होगा, यह कंट्री की बात कर रहे हैं, तो यह कंट्री वाइज पहला राज्य होगा, तो यह कथन गलत है। जहां पर सभी घरों में पाइप से जल आपूर्ति की जाएगी, यह कथन गलत हो जाता है क्योंकि बिहार पहला राज्य होगा। दूसरा कथन जो है वह सही है, बिहार पशु विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू की जाएगी। यह जो है कहां पर शुरू किया जा रहा है, पटना में, पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। तो आपसे यह प्रश्न यहाँ से बनता है, जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वह कहाँ है, तो वह पटना में स्थित है। 5 एकड़ जमीन जो है इसके लिए दी जा रही है, और जो इसका लागत है वो भी आपको एक पॉइंटर में याद रखना चाहिए, यह 20 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। आपको इन सारे पॉइंट्स को नोट करते रहना चाहिए, जब भी आप ये करें एनालिसिस पार्ट, हम जब भी करें पेन पेपर लेके बैठिए और सबको पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट के अनुसार किस जिले में खादी पार्क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका जो उत्तर है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी जो है, यह ऑप्शन गलत दे दिया है मैंने, यह उपयुक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि जो खादी पार्क है वह बजट के अनुसार भागलपुर में खोला जाएगा, मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा और छपरा में खोला जाएगा, और इसके अलावा यह खोला जा रहा है गया में। तो आपको यह चारों नाम याद रहने चाहिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और गया। आप इसको एक शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, BMCG। अगले प्रश्न को देखते हैं, लेदर पार्क का निर्माण कहाँ कराया जाएगा, इसकी भी बजट में घोषणा हुई है, वो कौन सा जिला है जहां पर लेदर पार्क बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर, ये आपको याद होना चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर में जो इसकी लागत है वो आपको पॉइंटर्स में याद रखना चाहिए, 14 करोड़ की लागत से यह बनाया जाएगा, 14 करोड़ की लागत से एक लेदर पार्क का निर्माण मुजफ्फरपुर में करा रही है सरकार। लेदर पार्क की खासियत जो होगी, इसमें 100 शेड होंगे, 100 शेड होंगे उसमें, जिन्हें छोटी लेदर इकाइयों को सौंपा जाएगा। तो यह आपको फैक्ट याद होना चाहिए, यहाँ 100 शेड होंगे जो कि छोटी इकाइयों को सौंपा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।